और कमाल की विधि बताता हूँ जीवन में सफलता प्राप्त करने की, आध्यात्मिक उन्नति करने की, आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक उन्नति करने की। सुनिएगा ध्यान से, जो भी आप कार्य करते हैं, आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, या व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस कार्य को जिसके साथ करते हैं उसको अपना प्रभु मानकर वो काम कीजिए, और अंत में अपने प्रभु को ही उसको अर्पित कर दीजिए उस कार्य को। कैसे? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं आप, और आप भगवान शिव के भक्त हैं और टीचर हैं, तो जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको भगवान शिव का बालक रूप मानकर ही उनको पढ़ाइए कि ये मेरे प्रभु आए हैं जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा। व्यापारी हैं तो अपने ग्राहक को भगवान मानकर उसकी सेवा कीजिए, उसको ठीक है, उसको जो परसेंटेज के अनुसार उसका कमाना है वो तो उसका दुकानदारी उसका काम वो करेगा, लेकिन मन में ये भाव रखिए कि ये मेरे प्रभु आए हैं मेरी दुकान के अंदर, इनकी सेवा करनी है, इनको जो चाहिए मुझे अच्छे से इनको बताना है और इनको देना है। डॉक्टर है तो अपने रोगी की सेवा इस प्रकार से कीजिए कि मेरे प्रभु आए हैं, मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं इनकी सेवा का लाभ ले, इनकी सेवा का लाभ करके अपना लाभ कर सकूं। मेरे प्रभु आए हैं, मुझे ये मौका दे रहे हैं, तो मुझे इनकी अच्छे से सेवा करनी, मुझे अपना काम अच्छे से करना है। और अंत में जब वो काम कंप्लीट हो जाए, जब रात को आप सोने लगे, तो अपने दिन भर का काम, आप जो कुछ भी आपने दिन भर आप जो करते आए हैं उसको अपने प्रभु को अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कि हे भगवान, आज दिन भर में मैंने जो भी काम किए वो सारा मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, जो भी मैंने सदकर्म किए उनको मैं आपको अर्पण करता हूँ, कृपया मुझे इसका लाभ दीजिएगा, आपको ही अर्पण है ये शरीर, ये जीव, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन बुद्धि अहंकार सब आपको समर्पित है प्रभु, अब आप जानो ना आपका काम जाने। जीवन में बदलाव आने लगते हैं, कैसे? ऐसे देखिएगा बदलाव आते हैं कि नहीं आते हैं, लगातार 3-4-5 महीने 6 महीने साल भर प्रैक्टिस कीजिए, जीवन बदलने लग जाएगा, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू।